जिस समस्या से रोज दो चार हो रहे हैं किसान, मुद्दे की बात का आज का सबसे पहला सवाल भी यही होगा। सवाल ये भी पूछेंगे कि चुनाव जीतने के लिए किसानों की कर्ज माफी का खेल आखिरकार कब तक चलेगा। तो सरकार चाहे कांग्रेस की बने स्टेट में, चाहे बीजेपी की बने सेंटर में, मजा जो है पब्लिक को आने वाला है। बहुत सारी राहत रियायतें, दोनों किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो बीजेपी अभी तक नहीं कर रही थी, या कांग्रेस आ करके इन्फ्लुएंस करने के यही तरीके हैं चार छह महीने में। नहीं, ये फैक्ट है। देखिए मैं आपको बताऊं, चार छह महीने बचे हुए हैं, विकास का कौन सा काम हो सकता है भाई? प्रोजेक्ट को पूरे करने में बहुत टाइम लगता है। मुद्दे की बात में आज हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपको रूबरू करवा देते। एके मिश्रा साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दे पे बोलने के लिए ज्ञान नहीं है क्या सर आप लोगों के पास? एक सेकंड हो गया सर दोनों का। आपका सीए और आप लोगों ने इंजीनियरिंग की है यार, सीए हो इंजीनियर हो, आप पढ़े पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पढ़े लिखे इस तरह की भाषा इस्तेमाल करोगे? ओपी मिश्रा सर, प्लीज एक सेकेंड। देखिए दूसरी चीज है, गैप आप समझ लीजिए। भारतीय किसान जो है मानसून का जुआ होता था, लेकिन आज मैं बोलूंगा कि भारतीय किसान जो है राजनीति, भारतीय राजनीति का जुआ बन गई है। बहुत बढ़िया, ठीक। एके मिश्रा साहब, सर सर मैं आऊंगा, मेरी मजबूरी है, मेरे को ब्रेक भी लेना पड़ेगा। एके मिश्रा साहब, छोटा सा एक कमेंट फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। ये कर्ज माफी की जरूरत क्यों आन पड़ी? जो मैंने अभिषेक राजी से सवाल पूछा वो नाराज हो गए उस पर। कर्ज माफी की जरूरत किसानों की क्यों आन पड़ी, मैं ये समझना चाहूंगा। चावला जी, किसान क्यों कर्ज हो गया? 11 दिसंबर को जो वोट की काउंटिंग हो रही थी तो मैंने यही बोला था कि अब जो है ये सब चीजें सारी पार्टियां करेंगी, कर्ज माफी, ये माफी, वो माफी, वही आज चीज हुई है। देखिए दो चीज होते हैं, एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, ये सब्जेक्ट है एग्री इकोनॉमी का। और ये जो किसानों की कर्जा माफी चुनाव जीतने के 6 घंटे के बाद हो रही है, तुरंत हो रही है, इमीडिएट हो रही है, ये है एग्री पॉलिटिक्स। इंडिया में पॉलिटिक्स एक पॉलिटिक्स होती है जिसकी वैरायटी आप बोल सकते हो एग्री पॉलिटिक्स। तो ये प्योर वोट बैंक का है, इसका जो है किसानों के कर्ज माफी से फौरी राहत ये दे रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे रहे हैं कि किसानों के पैरों को मजबूत करना, किसानों को आत्मनिर्भर करना, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है ओवरऑल ग्रोथ करना। मैं आपको बताऊं, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, लगभग 30-35% लोगों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में रोजी रोटी चलती है, और 13-14% यानी लगभग 15% की टोटल जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इतने बड़े सेक्टर को, सबसे लार्जेस्ट सेक्टर जो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, सबसे लार्जेस्ट लोगों की रोजी रोटी जिससे चलती है, इन लोगों ने, सारे पॉलिटिशियन ने 70 सालों में अनाज छोड़ दिया है, केवल अफीम दे रहे हैं, दर्द को दूर करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन दे रहे हैं ताकि वोट बैंक बने, मर्ज का इलाज नहीं कर रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा कि और ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक, एके मिश्रा, देखिए चावला जी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और मैं एग्री पॉलिटिक्स की भी बात करूंगा कि कैसे किसानों का या उनसे संबंधित चीजों का ये सर आप शांत रहिए प्लीज। एक सेकंड एके मिश्रा, प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज। ओपी मिश्रा आपके पास आ रहा हूं इसके बाद, प्लीज एक सेकंड। और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बार-बार आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप बोलने का मौका, ओपी मिश्रा साहब आप ही के पास आऊंगा सर, आप ही आरोप लगाइएगा। एक सेकंड आ रहा हूं, प्लीज आ रहा हूं, आंकड़ों के साथ आपसे भी बात करूंगा, प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको बता दूं 14-15% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और 35% लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रोजगार दिया हुआ है। आज उसकी हालत क्यों है ऐसे किसानों की, कभी भी ये जितने भी नेता है ना कोई साइंटिफिक एनालिसिस की, ना रूट कॉज समझा, ना सोल्यूशन दिया। मैं जल्दी से आपको बताता हूं, देखिए यूपी में लगभग 36,359 करोड़ रुपीज का जो है कर्जा माफी की बात चल रही, 9.4 मिलियन किसानों को कवर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आप 30,000 है, पंजाब में 36,600 करोड़ है, एमपी में 56,047 करोड़ है, और हरियाणा में 56,000 करोड़ है, तमिलनाडु में 7760 करोड़ का है, और ऐसे ही कर्नाटक में देखेंगे तो 52,500 करोड़ का है। ये सारा जाके बैठेगा 3.5 लाख, और आपने जो बड़ा 5 लाख, पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5-5.5 लाख रुपए का ये कर्जा जाके बैठेगा। और गवर्नमेंट अगर ऑल ऑफ सडन वेव ऑफ कर दे, मैं राहुल गांधी को बोलता हूं, मैं बीजेपी को बोलता हूं, सर 100% कर्जा आप माफ कर दो, और आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ अभी 7-7.5% पे बैठी है, 5% पे आके अटक के रुक जाएगी, और फिर आप जाइएगा वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए, अपना ग्रोथ दिखा। सर एक मिनट शांत रहिए, पहले मुझे भाई किसानों के खिलाफ बोलो, हम शांत रहेंगे। इस देश के किसान ने कमाया क्या किया? देश ने किसान को क्या, देश के किसान ने क्या दिया? आप किसान के नेता, इस किसान ने मेहनत किया, किसान को क्या दिया? आप किसान के, किसान के ऊपर जीडी में घटती है देश में, विधायक साहब सब खा रहे देश को, उनसे जीडी में घटती है देश की, साला देश बेच दिया, उनसे जीडी में घटती है, किसान को कुछ दे रहे तो देश की जीडी में घटती है। भीख मांगने से किसानों को कुछ भीख नहीं मांग,
किसान, किसान अपना मेहनत मांग रहा है, अपनी फसल के दाम मांग रहा है, आप सिस्टम के खिलाफ तैयार हुआ है, राजनीति की भाषा देश ने मौज की है, किसान ने कमर तोड़ के कमाया है, उसे वापस मांग रहा है। एक डाटा आपके पास देश की तुमको चिंता है, किसान की देश का किसान को चिंता नहीं है, इन सत्ताधारियों को चिंता है, क्या बात कर रहे हो? देश के किसान का कर्जा देना पड़ेगा, नहीं करो आराम नरक भोगोगे, जो किसान के खिलाफ बोलेगा और नरक में जाएगा। मैं क्या एक सेकंड कर्ज माफी सॉल्यूशन है या नहीं है वो एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मुझे एक बात समझाइए सर, ओपी मिश्रा साहब सत्ता में आप हैं, समाधान क्या समस्या का और समस्या है क्यों? साइंटिफिक दीजिएगा सर, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक नहीं, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, आपने क्या किया ये बताइए, इकोनॉमिक के बेस में दीजिएगा। एक सेकंड, आंकड़ों के जरिए सीएन आप समझाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको समाधान क्या है, समाधान क्या है और कर्जदार क्यों है किसान? सर डाटा क्रंचिंग की है, वैल्यू दिखाइए ना सीए का, आप डाटा की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, आपके पास डाटा होगा, आप सीए ना, हवा भाई बातें नहीं करेंगे ना। एक सेकंड, बताइए खेती के लिए तो कर्ज लेगा और अरे आप बोलने देंगे या खुद ही बोलते सर? बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए बोलिए, आंकड़े 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 सर, जब अभी राहुल गांधी जो आ गए, राहुल गांधी मुझे तो ये बता दो, राहुल गांधी बिस्कुट बनाने वाला कर्जदार क्यों नहीं है, ये दाल से बनाने वाला कर्जदार क्यों नहीं है, बेसन सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बिस्कुट बनाने वाला कर्जदार, मैं पूछ रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप एके मिश्रा साहब, लॉजिकली बात, ठीक है सर, ठीक है सर, किसी का पक्ष नहीं लिया, एक सेकंड सब चोर है सर, हित नहीं साधना चाहिए, एक सेकंड सर, जब देश ही नहीं रहेगा तो हित का क्या करोगे आप? सर ठीक है, आप जाइए ना सर, आप जाइए चुनाव लड़िए, आप जाइए चुनाव लड़िए ना, जो कि विधायक किसान भी है, एडिस्ट्रीज भी किसान है, विधायक है। एक सेकंड सर, आप मुझे लॉजिकली बात समझाइए, ना मैं कांग्रेस वाले से समझ पाया ना मैं बीजेपी वालों से समझ पाया, आप मुझे लॉजिकली बात समझाइए, कर्ज माफी का लॉलीपॉप है क्या ये समझाइए, देखिए मैं आपको बताऊं और समाधान क्या है। मैंने दो चीज बोली थी, एक एग्री इकोनॉमी होती है जो साइंटिफिक है, और यहाँ इंडिया में एग्री पॉलिटिक्स भी चल रही है, तो ये सब एग्री पॉलिटिक्स है। किसानों की कर्ज माफी 2019 का इलेक्शन है, वोट काउंटिंग के दिन 11 दिसंबर को भी बोला था। देखिए दूसरी चीज है, गैप आप समझ लीजिए, भारतीय किसान जो है मानसून का जुआ होता था, लेकिन आज मैं बोलूंगा कि भारतीय किसान जो है राजनीति, भारतीय राजनीति का जुआ बन गई है। बहुत बढ़िया, मानसून के ऊपर निर्भर रहना और मानसून ना होने के कारण जो भारतीय किसान को नुकसान होता था उसकी कभी किसान ने शिकायत नहीं की, सरकारों के सामने कभी राजाओं के सामने भीख नहीं मांगा, लेकिन आज किसान ये बोल रहा है कि मुझे आप कर्जा माफ करो, इसके पीछे रीजन क्या है? सब लोग ये बोलते हैं कि किसान की अगर लागत लगी है 10 रुपए और उसको मिल रहे हैं 2 रुपए 8 रुपए, यानी लागत 10 की है तो 12 रुपए मिले, ये क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। जितना कर्जा ये लोग माफ कर रहे हैं उतने में रूरल एरिया का 15 टाइम ज्यादा अभी जो है सड़क बन सकती है, 55% जो है इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, 44,000 से ज्यादा वेयर हाउस इंडिया में बन सकते हैं, 530 डिस्ट्रिक्ट है, आप डिवाइड कर लीजिए 44,000 से हर डिस्ट्रिक्ट में कितने वेयर हाउस बनेंगे। किसान जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगा तो 10 रुपए की चीज लागत वाली वो टाइम पे बेचेगा मार्केट में तो उसको 12 रुपए मिलेंगे, तो किसान को प्रॉफिट होगा, तब वो कर्जदार नहीं होगा, जो आप पूछ रहे थे। आपका जवाब है, जवाब ये है कि कब तक आप कर्जे पे कर्जा माफ करते जाओगे, अफीम जब दर्द होगा किसान को आप अफीम की गोली खिलाते जाओगे। सर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए जो 70 साल में नहीं हुआ, और इस गैप को फिलअप कर दीजिए कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई, जब मार्केट एकदम पीक पे होता है, रेट जब पीक पे रहते हैं, उस वक्त किसान तुरंत बेच सके, यही एक गैप है। ये सिंपल सी पॉलिसी अभिषेक राज एंड ओपी मिश्रा जी, आप दोनों के लिए आंकड़ों के साथ अगली बार होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत।